गणेशपेट थाना अंतर्गत एक युवक ने नौकरी से निकालने पर कंपनी के जोनल अधिकारी पर चाकू और लकड़ी से राफ्टर से जानलेवा हमला कर दिया है। इससे जोनल अधिकारी बुरी तरह जख्मी हो गया। आरोपी का नाम सौचारी नगर निवासी अनिकेत सुरेश पत्रे बताया गया है, जबकि घायल अधिकारी पंचशील नगर निवासी विशाल युवराज जनबंधु बताए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिकेत पहले एजी एनवायरो इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्कशॉप में नौकरी करता था। विशाल इसी कंपनी में जोनल अधिकारी के तौर पर नियुक्त है। काम में लापरवाही के चलते विशाल ने अनिकेत को नौकरी से निकाल दिया था। इससे अनिकेत काफी नाराज था। महानगर पालिका नागपुर यांनी एका कंपनीला ठेका दिलेला आहे। ती कंपनीचं ऑफिस गणेशपेठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत आहे। तिथले ठेकेदार जनबंधू साहेब विशाल जनबंधू यांच्याजवळ कामाला असलेल्या सफाई कामगारांनी त्यांना कामावरून काढून टाकल्याच्या कारणावरून त्याचा एक सोबत साथीदार आणला आणि त्यांच्यावर हल्ला केला। त्यामध्ये त्यांचा गंभीर जखमी आहेत ते, आणि यामध्ये दोन्ही आरोपींना पोलिसांनी अटक केलेली आहे। वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास चालू आहे। आरोपी आहे त्यात अनिकेत सुरेश पत्रे एक आहे आणि दुसरा आहे तो आशिष जगदीश भिमारे, दोन्ही संजारी नगरचे राहणारे आहेत। घटना के दिन दोपहर करीब 2:15 बजे बैद्यनाथ वर्कशॉप के पास की अभियांत्रिकी कार्यशाला के पास अनिकेत और उसके साथी ने विशाल पर चाकू और लकड़ी के राफ्टर से हमला कर दिया। इससे विशाल की गर्दन और सिर पर गंभीर चोटें आई। विशाल को घायल करके अनिकेत और उसका साथी वहां से फरार हो गए। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।